टू माई चैनल। एंड आज तो 2:30 बज चुके हैं और पता नहीं मैंने अचानक से 2:30 बजे मुझे याद है कि मुझे चैलेंज में हूँ और मुझे व्लॉग करना है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। इट्स ओके, कोई नहीं। एंड फिलहाल तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन चलो देखते हैं क्या करना है। अभी कुछ करने के लिए था नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो खाना वाना ही बना लेते हैं, कुछ अच्छा सा उसी बहाने ब्लॉग में कुछ तो आ जाएगा। वरना मैंने तो ऐसे भी कल ही सोचा था कि कल, यार मैंने सोचा कि हो गया, ऐसे ही चला गया ब्लॉग वेस्ट, क्योंकि भाई कुछ आइडिया ही नहीं मिल रहा था कल करने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी मम्मी ने बोला बाहर ही बोलने नहीं देंगे। तो यार मुझे एट अ टाइम दो चीज़ें करनी पड़ती हैं एक दिन में। एक चीज़ वो करनी पड़ती है कि मुझे जो कल का व्लॉग होता है वो एडिट करके आज डालना पड़ता है, एंड जो सेकंड चीज़ होती है वो आज के दिन का व्लॉग शूट करना पड़ता है। ये दो चीज़ें मुझे एट अ टाइम करनी पड़ती हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड देखो, जो लास्ट महीना था मार्च वाला, उसमें मैंने 7 तारीख से 30-31 तारीख तक बस 2 व्लॉग्स अपलोड करे, मतलब एक महीने में मैंने बस 2 व्लॉग्स अपलोड करे। ये जानते हुए कि मेरे फ़ोन का प्रॉब्लम है, मेरा भी प्रॉब्लम्स होते हैं कुछ, इसकी वजह से मैंने व्लॉग्स जो है वो बहुत कम डाले। इवन एडिबल 2 ही व्लॉग डाले मैंने, एंड डैट इज़ वाई रीच आई, लेकिन उतनी नहीं है जितनी मुझे चाहिए थी। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, कुछ करना है तो करना पड़ेगा। एंड डैट डजेंट मीन कि मैंने ऐसा सोचा कि व्लॉग बनाना ही छोड़ दूँ, ऐसा नहीं। सब बोलते हैं व्लॉग बनाना छोड़ दो, और मुझे भी कभी कभी मतलब ऐसा थॉट्स आया कि छोड़ दे व्लॉग यार, मतलब कुछ नहीं रखा है व्लॉग में। लेकिन आई जस्ट रिमेंबर डैट वाई यू स्टार्टेड, कुछ करना है इसीलिए मैंने शुरुआत की है, कुछ करके ही रहना है। दुनिया जान की टेढ़ी हो जाए भैया, जिद जिद है मेरी। देखो यार, मैंने ना एक व्लॉग बनाया था, लेकिन मैंने उस व्लॉग में जो माइक यूज़ किया वो माइक की वजह से मैंने एक्चुअली चेक नहीं किया था एक वीडियो बना के कि उसमें वॉइस क्लियर आता है कि नहीं। लेकिन पिछले 2-4 दिन से जब मैं देख रही थी तो वॉइस बहुत ज़्यादा बेटर क्लियर आ रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था। और इसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि वो माइक में ही बोलना स्टार्ट कर दूँ मैं, और क्लियर भी आएगा, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब मैंने वो व्लॉग शूट किया एक, जो मैं अपलोड करने वाली थी अभी एडिट करके, तो एडिटिंग टाइम पर मैंने देखा कि वो व्लॉग में मेरा वॉइस ओवर आया ही नहीं, मतलब जितना भी मेरा हार्डवर्क था वो पूरा ऐसा ही चला गया। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा उस चीज़ का। एक तो देखो टाइम नहीं मिलता है, 2 चीज़ें मुझे एक साथ हैंडल करनी पड़ती है, और वो मुझसे नहीं हुआ तो सोचो कितना बड़ा धक्का बैठा होगा। लेकिन आप टेंशन मत लो, रोज़ रात 12 बजे से पहले मैं एक ना एक व्लॉग बना के आप तक पहुँचा दूँगी, आप प्लीज़ टेंशन मत लेना एंड सपोर्ट कर देना, बस आपसे इतना ही चाहिए। आप मैं इतना कर दूँ, आप थोड़ा सा कर दो प्लीज़। डर देखिए इतनी कोई बात नहीं, मैं सब चीज़ें अच्छे से हैंडल कर दूँगी, कवर कर दूँगी, वो व्लॉग भी आएगा, सब अच्छा जाएगा एंड सब अच्छा जाएगा, सब अच्छा जाएगा। इस तरीके से आज के व्लॉग में कुछ तो हो गया, एंड आई एम थैंकफुल टू इट, थैंक यू मेरे मम्मा के लिए। एंड यप, आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। एंड हाँ, कल का व्लॉग अच्छा होने वाला है, कुछ इन्फॉर्मेटिव बताया है मैंने, बताने वाली हूँ, शूट करना बाकी है अभी। एंड तब तक के लिए काफ़ी आश करो, मजा करो, मजाओ। मैं तनिष्का मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।